माधवपुरम रखा है। इस बात की अगर हम आपको जानकारी दें कि हमने पिछले 8 महीने से गांव के सभी लोगों ने यह निश्चय किया कि हमारे गांव में जो मुगलकालीन नाम है इसका नाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि 1000 साल वर्षों की गुलामी में उस समय ये नाम हमारे गांव का बदला गया था और अब ये गांव का नाम मोहम्मदपुर हम नहीं रखना चाहते हैं, इस गांव का नाम माधोपुरम होना चाहिए। तो इसका प्रस्ताव बीजेपी के पार्षद ने निगम में लगाया और निगम से पास होकर दिल्ली सरकार भेजा गया। दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीने से इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भारत के गौरव और स्वाभिमान की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया कि हम गांव का नाम गांव वासियों की सहमति से वहां बदलेंगे और वहां बड़ी भारी संख्या में लोग आए, उन्होंने गांव का नाम बदलकर माधवपुरम रखने में खुशी जताई है। और इसी तरह दिल्ली के अंदर 40 के आसपास ऐसे गांव हैं जिन गांव के नाम मुगलों से जुड़ते हैं, गुलामी की मानसिकता से जुड़ते हैं, गुलामी के प्रतीक के रूप में उनकी पहचान है और देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में दिल्ली देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई गुलामी के प्रतीक नाम हो उनको कोई गांववासी नहीं चाहता। तो गांव वालों ने आगे आकर हमको रिप्रेजेंटेशन दिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि जिन 40 गांव के नाम बदले जाए उन गांव के नाम देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम रखे जाए। जो लोग फौज में रहकर जिन जवानों ने, गांव के सपूतों ने, दिल्ली और देश के सपूतों ने भारत की सीमाओं की रक्षा की, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ाई में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिन्होंने इस देश में समाज के अंदर, खेल के अंदर, कला के अंदर, संगीत के अंदर देश का नाम बढ़ाया, ऐसे महान विभूतियों के नाम पर इन गांव के नाम रखने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के पास भेज रही है। और जिस तरह से हमने ये प्रस्ताव भेज रहे हैं, मैं आपको कुछ गांव के नाम भी बताना चाहता हूं। जैसे जिया सराय, बेर सराय, यूसुफ सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, हुमायूपुर, जाफरपुर कला, काजीपुर, नसीरपुर, मिर्जापुर, हसनपुर, गालिबपुर, ताजपुर, नजफगढ़, ये वही नाम है। आज दिल्ली बदल चुका है, देश बदल चुका है। जिया सराय, नेब सराय, ये मुगलों की सराय नहीं है, अब दिल्ली सराय नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के गांव भी उसी स्वाभिमान के साथ, उसी राष्ट्रवाद के साथ, दिल्ली के गांव के निवासी, वहां की पंचायत, वहां की जनता वो चलना चाहती है। क्योंकि आज हर गांववासी, दिल्ली के अंदर जो युवा है वो अपने दिल्ली की, अपने गांव की पहचान किसी गुलामी के नाम से नहीं जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे, वो जानना चाहता है अशफाक उल्ला खां कौन थे, वो जानना चाहता है बिस्मिल्ला खां कौन थे, वो जानना चाहता है मोहन चंद शर्मा कौन थे जिन्होंने बाटला हाउस में वीर गति प्राप्त की थी, वो जानना चाहता है सर छोटू राम कौन थे, वो जानना चाहता है रतन लाल दिल्ली पुलिस के जवान कौन थे, वो जानना चाहता है भगवान परशुराम कौन थे, वो जानना चाहता है कि रविदास कौन थे, भगवान महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानना चाहता है, वो लता मंगेशकर जी के बारे में जानना चाहता है, वो मिल्खा सिंह जी के बारे में जानना चाहता है, वो यशपाल शर्मा जी के बारे में जानना चाहता है जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में योगदान दिया, वो मोहम्मद रफी के बारे में जानना चाहता है, वो अंकित शर्मा के बारे में जानना चाहता है, इन नामों पर जो देश की आजादी में, समाज
कला, संस्कृति, खेल जिसमें उन्होंने अपना योगदान दिया, इन नामों पर ये नाम बदल कर रखे जाए, ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी भेज रही है आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।